मेरा नाम विजय द्विवेदी, महानगर कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा में। आज कौन आ रहा है, किस तरह से आप उनका स्वागत? हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आ रहे हैं और जन यात्रा निकाले, जन सहयोग यात्रा। तो उन्हीं में हम लोग जनता का जो विश्वास मत को जीतने के लिए हम लोगों ने ये जन यात्रा निकाली और जो हम लोगों ने कार्य किया है विगत 5 वर्षों में, वो जन जन तक हम लोगों ने किताबों के माध्यम से हर तरह से जनता तक पहुंचाया है और उसी के उपलक्ष्य में जनता के बीच में हम लोग जो है जा रहे हैं जन यात्रा निकाल के, ताकि उनका आशीर्वाद हम लोग को पुनः प्राप्त हो। जनता से कैसे जुड़ा जाए? जनता के जो कार्य हैं, जनता छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो उनका ज़रूरत है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी करते हैं और इसीलिए जनता आज के डेट में पूरे बनारस की हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। किसी और पार्टी का यहाँ पे कोई कार्य नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। आप देख लीजिए, विगत सात सालों में आप देख लीजिए, दशाश्वमेध में मछली मंडी था, उसका विकास हुआ। गदौलिया पे कूड़ा घर था, उसमें हम लोगों ने नया पार्किंग बनाया। बेनिया में हम लोग पार्किंग दे रहे हैं, टाउन हॉल में दे रहे हैं। बनारस कॉरिडोर बनाया गया, गरीबों के लिए आवाज़ बनाया गया, गंगा का पुल दिया गया। मुस्लिम भाइयों के लिए हम लोग ने दीनदयाल उपाध्याय बुनकर वाला बनाया गया। तो हम लोग सभी धर्म को साथ में लेके, सभी जाति वर्ग के लोगों को लेके पार्टी काम कर रही है। मैं रीता जायसवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश सह संयोजक। दूसरा कोई दूर दूर तक नहीं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जन विश्वास यात्रा का रथ लेकर काशी में पधार चुके हैं और वो रथ रोहनिया कार्यालय से अपना DLW होते हुए आज कुछ ही देर में सोनारपुरा पर आज आने वाला है। हमारी महिला शक्ति, हमारे युवा शक्ति, महामना मंडल की पूरी टीम, हमारे अध्यक्ष जगन्नाथ ओझा जी, सोनू जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही उल्लास के भाव से हमारी महिला, आप देख ही रहे हैं मातृशक्ति को माल्यार्पण करना भी है और माला पहन के खड़ी हैं कि हम कितने खुश हैं। अनुश्री मुखर्जी, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग सब आया है, वार्ड नंबर 71 सभासद के ओर से सारी महिलाएं आए हैं, हम लोग उनको सहयोगिता करने के लिए। हाँ, एकदम महिला भी स्वागत के लिए आते हैं, क्योंकि मोदी जी योगी जी का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग सभी उनको पसंद करते हैं बहुत दिल से। इसीलिए मैं पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, वार्ड नंबर 71 बंगाली टोला। आज यहाँ पे किस तरह की रैली या फिर किस तरह की सम्मान समारोह या किस तरह का? ये जन विश्वास यात्रा का सम्मान समारोह है और हमारे बंगाली टोला में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में, और इन लोगों का जी जान से वो रहता है कि मोदी जी योगी जी का सरकार आवे। और हमारे क्षेत्र के सारे लोग भी है, कार्यकर्ता है, हमारे महानगर के पदाधिकारी भी है। तो ये पांडवी वार्ड हम लोग के जिम्मे में आया है, तो इसमें हम लोग सारे लोग और ये महिलाएं 2 घंटे से आके यहाँ बैठी है, उनका इंतज़ार कर रहा है। ये फूल भी रखा है, माला भी रखे, इनका स्वागत ज़बरदस्त तरीके से होगा। जनता पार्टी की जन सैलाब यात्रा समझ लीजिए, इस तरह से पूरे प्रदेश में चल रही है। तो आज इसमें बनारस आ रहे हैं और बनारस, पूरा बनारस उनका स्वागत के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और मोदी जी यहीं से 2014 का आगाज करके पूरे देश में राज किया है और 2019 में दोबारा राज किया है और 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो यहीं से स्टार्टिंग किया गया है। तो ये मान के चलिए कि 2022 फिर भारतीय जनता पार्टी का है और ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ मुस्लिम का बड़ी बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जन विश्वास यात्रा पूरे शहर में घूमते हुए वाराणसी के हृदय स्थल गदौलिया पर कुछ देर पहुंचेगी। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए पूरे काशीवासी डमरू दल के साथ, ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ और शंख की ध्वनि के साथ स्वागत करने के लगे हैं। तमाम माताएं बहनें हैं और वैदिक ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया जाएगा और इसे स्वागत अभिनंदन के साथ आज की शाम को यादगार बना दिया जाएगा। हर हर महादेव। मैं वैभव कपूर हूँ, प्रभारी हूँ काशी विश्वास मंडल का, भाजपा का।
ये जन विश्वास यात्रा प्रदेश भर में निकल रही है, आज काशी में निकलनी है। और हम लोग सब मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जो अयोध्या में, बनारस में और विकास के जो मतलब अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, उसमें अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए कि हमारा विश्वास है उसमें, यही व्यक्त करने के लिए जन विश्वास यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। क्या इस यात्रा से लगता है 2022 के बाद सबका साथ सबका विकास हो पाएगा? सबका साथ सबका विकास विगत 7 वर्षों से हो ही रहा है, आगे भी होगा। भैया